वडोदरा शहर में आपका स्वागत है। देखिए हम घूमते फिरते सब जगह निकलते रहते हैं, लेकिन जहाँ हमें पता चला कि इतनी खूबसूरती एक जगह में आपको मिल जाएगी, वहाँ पे लाके आपको खड़ा कर देते हैं। और हम आपको ले आए लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा में। बहुत ही सुंदर पैलेस है, जो रॉयल फैमिली है अभी तक यहीं रहती है। तो अगर आपको झंडा मिले उड़ता हुआ ऊपर लहराता हुआ पैलेस के ऊपर, मतलब महाराज साहब जो हैं वो यहीं हैं, और अगर झंडा ना हो मतलब वो कहीं बाहर गए हुए हैं। और खास बात इस पैलेस की, 19th सेंचुरी में बनाया गया था इंडो सार्सेनिक स्टाइल में, ₹6 मिलियन के कॉस्ट पे। उन दिनों में बहुत ज़्यादा पैसे होते थे, आजकल तो खैर इतना नहीं है, लेकिन खूबसूरती इस पैलेस की देखने लायक है। जब आप पास से जाके देखेंगे तो हर कोना, हर टर्न, हर कॉर्नर में कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिल जाएगा। बहुत ही स्पेक्टेकुलर प्लेस। लोग यहाँ कम आते हैं, पता नहीं क्यों। एक तो 500 acre की प्रॉपर्टी है, तो लोग जो है वो गायब से हो जाते हैं यहाँ पर आके। लेकिन ये पैलेस 4 गुना द साइज ऑफ बकिंगम पैलेस आके देखने लायक ज़रूर है। तो वडोदरा में जब आएँ इसको मिस करके ना जाएँ, यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए और देखते हैं इसकी खूबसूरती। गर्मी इतनी ज़्यादा गुजरात में, और यहाँ पे पानी की कमी रहती थी पुराने ज़माने में, तो यहाँ पर है नवलखी स्टेपवेल, बहुत ब्यूटीफुल बनाया गया अंदर पानी गैदर करने के लिए पैलेस की नीड्स के लिए। इसके अलावा राजा रवि वर्मा जो मशहूर पेंटर थे, इनक्रेडिबली फेमस पेंटर ऑफ इंडिया, उन्होंने अंदर म्यूरल्स वगैरह ड्रॉ किए हैं बहुत सारे, लेकिन अंदर जाके फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो हम आपको बाहर से पैलेस दिखा सकते हैं, अंदर जाके हम खुद अपने आप घूमेंगे फिरेंगे और सब पैलेस देखेंगे, और जब आप आएंगे तो आपको भी मौका मिलेगा यही करने का। लेकिन फिलहाल आप बाहर से इसको इन्जॉय कर सकते हैं, अंदर जाके नहीं। यहाँ पर एक गोल्फ कोर्स भी है जी हाँ, पैलेस ग्राउंड्स के ऊपर, और बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन का ऑफिस भी यहीं पर है। यहाँ पर ऑल्सो देर इज़ अ स्क्वॉश कोर्ट जहाँ पे पुराने ब्यूटीफुल वुडन फ्लोर्स लगे हुए हैं जो देखने लायक हैं। तो बहुत कुछ है देखने को इस पैलेस में। इट इज़ कम्प्लीटली ब्यूटीफुल एंड कम्प्लीटली यूनिक, यानी बेस्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड एंड द न्यू वर्ल्ड, दोनों यहीं पे। ऐसे खूबसूरत पैलेसेस में कहानियाँ आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। फिलहाल जो कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस पैलेस को बनाया गया था महाराज सयाजी राव गायकवाड़ III ने 1890 में, और मेजर चार्ल्स मैंट जो थे वो प्राइमरी आर्किटेक्ट थे, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट। और इस जगह की खूबसूरती इतने प्यार से, इतने केयरफुल अटेंशन और डिटेल से इसे बनाया गया कि इसको देखना बहुत एक बार आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे इसको। तो मैं वहाँ आता हूँ, दोनों मिलके देखते हैं इसकी खूबसूरती। दिखाइए प्लीज़ दिखाइए। अब फिर कब आना हो ये पता नहीं, इसलिए मैंने अपने टेक्नो कैमरा 19 के साथ खूब सारी फोटोग्राफ्स और मेमोरीज बना ली हैं। लेकिन मैंने आपको दिखाने हैं इसके फीचर्स कितने इंटरेस्टिंग हैं, तो खूब सारे फीचर्स सबके साथ ट्राई करते हैं इस खूबसूरत बिल्डिंग की फोटोग्राफ्स लेना। और अब देखिए ये डेलाइट सीन है, यानी नॉर्मल शूटिंग विद द मेन कैमरा। अब अंदर आप देखेंगे तो डिमली लिट एनवायरनमेंट है, और कैमरा जो है वो डिफॉल्ट कैमरा मोड AI कैम में चला जाएगा, और फिर अंदर की भी जो सीनरी है जो बिल्कुल अंधेरे में है वो भी आपको दिखेगी। मेरे टेक्नो कैमरा 19 में है प्रो मोड, यानी अगर आपको प्रोफेशनली कुछ ऑल्टर करना हो इसमें तो वो हो सकता है। जैसे मैंने ISO को अभी लेट्स से 600 पे सेट किया, क्योंकि लाइट जो है यहाँ पे थोड़ी सी कम है, और ये खूबसूरत इमेज हमने क्लिक किया प्रो मोड में। ब्यूटीफुल, परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट एक्सपोजर। और ये है मेरा सेल्फी पोर्ट्रेट मोड, यानी ऑटोमेटिक बैकग्राउंड की ब्लरिंग। जब आप पोर्ट्रेट मोड को कंबाइन करते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ तो अमेजिंग सेल्फीज आप ले सकते हैं विद बैकग्राउंड बीइंग ब्लर्ड। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड मेरे टेक्नो कैमरा 19 में, टाइम लैप्स मोड, यानी कि एक टाइम लैप्स वीडियो आप टाइम लैप्स मोड में डालिए और ऊपर से बादल चल रहे हैं, नीचे पैलेस खड़ा हुआ है जैसे कई सालों से खड़ा हुआ है यहीं पर। ब्यूटीफुल मोड। और ये है स्लो मो, यानी वन ऑफ माय फेवरेट मोड्स। जब भी मुझे चैलेंज दिखता है तो सिट डाउन किया और अटैक। स्लो मो के साथ और भी बहुत मजे आ सकते हैं, मूविंग वाटर प्लांट्स, मूविंग बर्ड्स फ्लाइंग, बहुत चॉइसेस हैं स्लो मो फोटोग्राफी के लिए। और ये है मेरा सेल्फी मोड, यानी 32 मेगापिक्सल हाई डेफिनेशन फ्रंट फेसिंग कैमरा।
एकदम क्लैरिटी, कलर एकदम रिच और एक एक बाल आपको डिस्टिंक्ट दिख रहा है अगर आप ध्यान से देखें। मैंने अपनी तरफ से सारा ज्ञान आपको दे दिया, अब बस एक चीज़ बची है करने को, वो ये है कि जब आप यहाँ पर आएँ अपना टेक्नो कैमोन 19-7 लेके आएँ, खूब सारी फ़ोटोज़ लें, याददाश्त बनाएँ, अपने पोतियों को अपने पोतों को दिखाएँ, अपने बच्चों को तो क्या दिखाई देंगे आप, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू कीप द मेमोरीज अलाइव। इतनी खूबसूरत जगह आपके दिल और दिमाग में बैठी रहे सारी ज़िंदगी, उससे ज़्यादा सुंदर क्या होता है। तो बस आपको एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ जो मैं और मेरा टेक्नो कैमोन 19 आपसे बताना चाहते हैं, कीप लविंग, कीप लिविंग।